हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? मैं आपके दोस्त आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने चैनल अगाथे नायर पर। भाई लोग, हमने देखी तो समझ ही गए होंगे कि आज हमारा जो टॉपिक है क्या रहने वाला है। तो जी हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बी एस सिक्स फेज टू यानी बी एस सेवन जिसको लोग कह रहे हैं। तो मैं कोई बड़े हुए बी एस सिक्स फेज टू को बी एस सेवन ही कहने वाला हूँ। तो एक्चुअली बी एस सिक्स फेज टू है क्या? तो एक छोटा सा अपडेट मैं कह सकता हूँ, एक छोटा सा अपडेट है बी एस सिक्स व्हीकल्स में। जैसे कि इसमें जो मेजर चीज होने वाला है वो है गाइस पे आरडी को इंक्लूड कर रही है गवर्नमेंट। इससे क्या होगा कि पहले जो बाइक्स होती थी ना, इन सबको कंपनीज जो है अपनी लेबोरेटरी इन्वायरमेंट में टेस्ट करती थी और वो एमिशन कराती थी कि ये अभी इतना प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको फिर गवर्नमेंट पास करती थी। लेकिन अब क्या होगा कि अब इन गाड़ियों का लेबोरेटरी टेस्ट होगा ही, उसके बाद गवर्नमेंट भी रियल जो आरडी मतलब ना रियल ड्राइविंग एमिशन वो भी रियल वर्ल्ड में टेस्ट होते रहेंगे। कि इससे क्या हुआ, गाड़ी जो लेबोरेटरी टेस्टिंग में जो रिजल्ट्स थे क्या वो आरटी में जो रियल वर्ल्ड में क्या प्रोसेस कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये मेजर होने वाला। और ओबीडी तो पहले ओबीडी पर आ रहा है, ओबीडी टू जो है आएगा। इससे क्या होगा कि आप जब भी जब ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स होते हैं इसका फुल फॉर्म, तो आप इसको आप भी चाहें तो इसको घर पे एक्सेस कर पाएंगे और फिर बाइक्स का जो भी इश्यूज कनेक्ट करके आप देख पाएंगे कि एक्चुअली बाइक में क्या इंजन में कितना प्रेशर पड़ा है, इंजन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं या फिर अभी क्या वो एमिशंस को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये बस कुछ अपडेट्स होने वाले हैं बी एस सिक्स व्हीकल्स में जो अभी आती रही हैं। तो अभी इसको बी एस सिक्स फेज टू नाम दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं क्या मतलब, ये तो रहा कि बस जो भी ये बी एस सेवन आ रहा है बस ये इसको ये एमिशंस को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने के लिए बनाया गया है, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला। जैसे बी एस फोर बी एस सिक्स आया तो बस एमिशंस नॉर्म्स ही चेंज हुए और थोड़ा सा पावर ड्रॉप हम लोगों को देखने को मिला, तो वो सारी चीज़ हल्का फुल्का हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये, क्या हमें बी एस सिक्स व्हीकल लेना चाहिए या फिर बी एस सेवन आने वाला है 1 अप्रैल 2023 से, तो उसके लिए वेट करना चाहिए जो कि अभी 1 महीना टोटल बाकी है। तो ये क्वेश्चन गाइस बता दूँ कि चेंजेस कुछ नहीं होने वाले हैं, बस नॉर्म्स चेंज होंगे। तो एक मतलब एमिशन नॉर्म्स के लिए आप अगर 1 महीना वेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मुझे सही नहीं लगता कि आपको बस मतलब कि एमिशंस नॉर्म चेंज होने के लिए आपको 1 महीना वेट करना, मुझे कहीं से भी मतलब कि सही नहीं लगता। और इसके मैं आपको नुकसान बता देता हूँ, अगर आप वेट करते हैं इसका नुकसान क्या हो सकता है। सबसे पहला नुकसान ये है कि आप वेट करोगे 1 महीना और इस चीज़ के लिए वेट करोगे जिसमें आपको कोई फ़ायदा आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, स्लोली होगा, वो पूरे वर्ल्ड के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है कि आप पॉल्यूशन नहीं करोगे तो। लेकिन बस बाइक से ही या फिर कार से पॉल्यूशन होता है, और भी चीज़ें हैं उन पर भी सरकार को उतना ही ध्यान देना चाहिए, मैं इसे मालूम नहीं पड़ने वाला। तो पहला ये रहा पॉल्यूशन, मुझे नहीं लगता कि आपको सब वेट करना चाहिए क्योंकि आप 1 महीना वेट करोगे और चेंजेस में बस आपको एक मिलेगा कि हाँ बी एस सेवन आपका व्हीकल है। सेकेंड चेंज ये है गाइस जो कि मेजर आपको पड़ने वाला है कि जब ये बी एस सेवन बाइक्स या फिर कार्स आने लग जाएंगे ना, बी एस सेवन व्हीकल्स आने लग जाएंगे फेज टू जिसको बी एस सिक्स फेज टू कहते हैं, तो डेफिनेटली प्राइस हाइक होगा और ये 10-20% तक हो सकता है गाइस, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन ये तो जानो कि प्राइस हाइक होने वाला है। जो आर एस अभी 100 रूम प्राइस 170,000 175,000 पे आ रही है, उसमें आप 70,000 रुपये और बढ़ा लो अगर 10% हाइक होता है तो ले देकर ये 2 लाख के आसपास पहुँच सकती है बी एस सेवन अपडेट के बाद। तो अब आपको चेंजेस कुछ नहीं मिलने वाले हैं, बस नॉर्म्स चेंज होंगे। उस नॉर्म्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा क्योंकि कंपनीज को उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, अपडेट्स करनी पड़ेंगी, तो पैसा तो वो आपसे ही लेंगी, वो फोकट में आपको अपडेट नहीं देने वाली। तो उस अपडेट का आपको 10% या 20% एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा हर व्हीकल पे। तो अगर 170,000 की आ रही, 10% इसका 17,000 हो गया, तो आप 170,000 पे 17,000 और रख लो, मतलब 20,000 रख लो एक बार मोटा मोटी, तो 1,90,000 के आसपास लगभग 2 लाख तक ये जा सकता है। और फिर अब 2 लाख तक एक्सरूम प्राइस होगी आर एस की, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। फिर आप जब बाइक लोगे तो फिर आर टी ओ टैक्स में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि अगर 20,000 ये जो बड़ा है ना उधर, तो भी उस 20,000 का भी तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा ही, फिर इंश्योरेंस में थोड़ा पड़ेगा, मतलब सारी चीज़ें ले लेकर गाइस आपका मतलब आपको महंगा ही पड़ने वाला है। तो अगर आप बस बी एस सेवन में वेट करें तो आपको वो महंगा पड़ेगा, मैं कहूँगा आप बी एस सेवन में वेट ना करो। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको फायदे की बात, जैसे बी एस सेवन बाइक्स आ रही हैं, इन बाइक पर मे भी आपको ऑफ देखने को मिल सकता है क्योंकि हर कंपनी चाहेगी उसका अपना पुराना स्टॉक वो निकाले। तो ये एक आपको अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि जो गाड़ी आप 1 अप्रैल बाद महंगी खरीदोगे, आप 1 अप्रैल से पहले में भी आपको जो उसका एक्सपेंस आ रहा है उसमें आपको ऑफ देखने को मिल जाए और अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल सकता है।
ये गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये आपको ये हेल्पफुल रही हो, और यही था तो कंक्लूजन यही है कि BS7 व्हीकल्स के लिए रुकना कोई फ़ायदा सौदा मुझे नहीं लग रहा है, बस नुकसान ही मुझे समझ में आ रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो अभी ले सकते हो, और हाँ कुछ दिन वेट करो, मतलब 15-15 मार्च का वेट करो, डेफिनेटली प्राइस ड्रॉप होगा इस व्हीकल्स का, उस वक्त आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस, तो आप ले सकते हो। अब BS7 की जगह आप बैठोगे तो आप डेफिनेटली मान लो 15-20 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा 100 रुपये बाइक पर बिकाना होगा, फिर टैक्सेस आपको बढ़ेंगे, तो मान लो 20-25 हज़ार आपको बाइक या फिर जो भी व्हीकल्स रहेंगी महंगी पड़ने वाली हैं। एक परसेंटेज बताऊँ तो आप मान लो 10-20% के बीच में आपको प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हो रहा है बाइक जो भी व्हीकल्स हैं उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस आने वाला है ही नहीं, जो भी होगा बस एमिशन नॉर्म्स में चेंज हो रहे हैं और कुछ खास नहीं हो रहा है। BS3 से BS4, BS4 से BS6, BS2 से BS7 आ रहा है, तो बस नॉर्म चेंज हो रहे हैं और कंपनी जो अपडेट दे रही है वो नॉर्म्स नहीं दे रही है, नॉर्म्स बस होता है पोल्यूशन के लिए होता है, उसका खास तौर से कोई आपका बाइक के फीचर से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे अब BS4 RS लीजिए, BS3 RS लीजिए, इसमें अभी तक गियर से इंडिकेटर नहीं आया है, ठीक ना, गियर पोर्शन इंडिकेटर नहीं आया है, तो वो नॉर्म्स से अपडेट्स नहीं आते हैं, फीचर्स गाड़ी अपने से लाती रहती है। अगर आप बस पोल्यूशन नॉर्म्स के लिए मिशन नॉर्म्स के लिए आपको वेट करना है BS7 के लिए, तो आप डेफिनेटली वेट करिए, अच्छी बात है, आप नेचर के बारे में सोच रहे हैं, आर्ट के बारे में सोच रहे हैं और हमें सोचना भी चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। अगर आप